किसानों का प्रदर्शन दिन प्रतिदिन तेज होता ही जा रहा है। जहां किसान दिल्ली को घेरे बैठे हैं, वहीं पंजाब में भी भाजपा के नेता के घर घेरने की नीति पर चल रहे हैं ताकि केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ सके। आज किसान मजदूर संगठन ने इकट्ठे होकर ट्रैक्टर कारों और बाइकों पर शहर से एक रैली निकाली और भाजपा सीनियर नेता का घर घेरने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इन्हें कुछ ही दूर पर रोक लिया। वहीं किसान नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार किसानों को झूठे वादे कर रहा है और पंजाब के भाजपा के नेता भी किसान के बारे में नहीं सोच रहे, इसीलिए हम भाजपा के सभी नेताओं के घर का घेराव कर रहे हैं। जलंधर से वीरेंद्र की रिपोर्ट, लाइव भारत। देखो, ये कल्ले मनोरंजन कालीए का घराव नहीं किया जा रहा, समुची भाजपा के लीडर का, उन्होंने नेतावान का, उन्होंने समुचे जी टीम आ भाजपा की, वह पूरा असं विरोध करते हैं। इन्ह का प्रदर्शन इन्ह के खिलाफ करते हैं, जिन्ह ने पंजाब के हकों मोदी को वेच के अपन कुर्सियां कायम रखने वास्ते आने वाले समय में आप ये मोदी के झोली जा के पै गए। वो कहते जी हाँ ठीक है, आ साढ़े वास्ते चंगा, आ साढ़े वास्ते माड़ा, लेकिन होया कुछ नहीं। किसानों के नाल कोई गलबात नहीं की गई, ओवरनाइट ऑर्डेंस लेंदे गए, हुण पास हो जाएंगे। हुण उह कह रहे हैं भाई सानू नहीं चंगे, जे मैं हुण ये कानूनों बारे गल करा तो पौना कु घंटा लग जाएगा। बिल्कुल ही ये काले कानून आ, ये किसानों वास्ते नहीं है। असं जा रहे हैं जल्दी जी, बिल्कुल जावे उत्थे किसानों के नाल खड़े होवे, जो भी करना पिया असं अक्सर मैं जरूर करा। पहले पंजाब के जावे, वो बाद अगर कोई फैसला हो गया तो मैं समझागा कि शायद मोदी सरकार को कुछ समझ आ गई है। जे ना आई फिर पंजाब के जिन्हें भी अक्सर सरबंसमैन है जेडे 22 डिस्ट्रिक्ट धरने लागे और 22 डिस्ट्रिक्टों के सारे रैप लैके असं दिल्ली भी जावे।